खबर ग्वालियर से है जहां एक रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर की बहन ने ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री विदेश मंत्री सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों से अपने भाई को कतर दोहा से वापस लाने में मदद मांगी है यहां बता दें कि ग्वालियर के रिटायर्ड ऑफिसर सहित नेवी के आठ ऑफिसर दोहा में पिछले सत्तर दिनों से वहाँ की सरकार के द्वारा नजरबंद है ना किसी से मिलने दिया जा रहा है ना ही उनके परिवार के पास जाने दिया जा रहा है ग्वालियर के विडेंसर हिल्स निवासी रिटायर्ड ऑफिसर पुनेन्दु तिवारी की बहन डॉक्टर मीतू भार्गव ने ट्वीट कर मदद मांगी है यह ट्वीट उन्होंने पीएम को टैग करते हुए चार दिन पहले किया है ग्वालियर के विंडनसर हिल्स में रहने वाली डॉक्टर मीतू भार्गव के भाई पुनेन्दु तिवारी इंडियन नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं वह अपने अन्य सात ऑफिसर के साथ कतर की एक कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते हैं पुडेन्द्र इस कंपनी में एम थे इस कंपनी के अंतर्गत यह सभी आठ रिटायर्ड इंडियन नेवी अधिकारी कतरी एमरी नौसेना को ट्रेनिंग और दूसरी जरूरी सेवाएं देने गए हुए थे जहां उन्हें अचानक सरकार ने उन्हें निगरानी में लेकर नजरबंद कर दिया करीब सत्तर दिनों से यह ऑफिसर दोहा में वहां की सरकार के पास निगरानी में है पुणेन्द्र की छोटी बहन डॉक्टर मीतू भार्गव सहित उनके पूरे परिवार का इस घटना के बाद बुरा हाल है यही कारण है कि उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उनके भाई सहित सभी आठ रिटायर्ड इंडियन नेवी अधिकारियों की सकुशल रिहाई जल्द हो डॉक्टर मीतू का कहना है कि यह सभी रिटायर्ड भारतीय इंडियन नौसेना के अधिकारी रहे हैं और उम्र दराज होने के चलते एकांत कारावास में उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा है कतर दोहा में भारतीय दूतावास को इस घटना के बारे में जानकारी है यह मामला तब सामने आया है जब सीडीआर पुणे आर तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने ट्वीट कर सरकार से मदद की गुहार लगाई है डॉक्टर मीतू के ट्वीट पर उन्होंने एक शिक्षक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में बताया गया है जिन्होंने कहा भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं आठ लोगों को पिछले सत्तर दिनों से दोहा में अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है इसी पोस्ट में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए भारत सरकार से इस पर तेजी से एक्शन लेने और बिना किसी देरी के इन पूर्व सैन्य अफसरों की रिहाई की मांग की नौसेना के पूर्व अधिकारी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे यह कंपनी खुद को कतर रक्षा सुरक्षा और अन्य सरकारी एजेंसियों के स्थानीय व्यापार भागीदार और रक्षा उपकरण संचालन तथा रखरखाव के रूप में इसकी प्रमुख दक्षताओं के रूप में वर्णित करती है ग्रुप के सीईओ खामिस अल अजमी भी खुद रॉयल ओमान एयर फोर्स से एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। हिरासत के लिए गए ऐसी भारतीयों में से एक फर्म के प्रबंध निदेशक कमांडर पुनेन्दु तिवारी भी शामिल हैं। उन्हें 2019 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिल चुका है हालांकि इन भारतीयों को किन वजह से हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है मेरे जो ब्रदर हाँ मेरे जो ब्रदर हैं वो रिटायर्ड नेवल कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं और वो 2013 में कतर पहुँचे कतर नेवी को ट्रेन करने के लिए वो पहुँचे और उनको इतनी अच्छी उनने ट्रेनिंग दी 2013 के बाद से कि 2019 में उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया जिस जो कि कतर गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया इंडियन गवर्नमेंट को क्योंकि वो हमारे देश इतने अच्छी कतर नेवी को ट्रेनिंग दे रहे थे तो बहुत दोनों देशों के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान का बात थी और पता नहीं अब क्या हुआ कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है जो कि बहुत सस्पिशियस uh, है हमारे लिए ये कंपनी राइवलरीज ही हो सकती है और कुछ नहीं बस मेरा विनम्र निवेदन है भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द ये आठ अफसर्स नेवी के जो पूर्व सैनिक हैं इनको वापस भारत लाया जाए